हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज कौन से हमारे यूनिट वन और यूनिट टू को कंबाइन कर कंट्रोल सिस्टम्स के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एब्रीविएशन से कि हम किस वेरिएबल के लिए क्या नेम यूज करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ओमेगा एन। ये क्या होता है? हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये होती है हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम यूज करते हैं ओमेगा डी को। ये क्या होती है? हमारी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। डैम्पिंग, जैसे कि आप जानते होंगे कि डैम्पिंग मतलब दबाव डालना, दबाना। उसके बाद आता है टीएस। टीएस होता है हमारा सेटलिंग टाइम, कि कितने टाइम पर जाकर हमारा जो वेव है वो सेटल हो जाती है, मतलब एक सिग्नल है कितने टाइम पर जाकर वो स्ट्रेट होने लग जाता है। तो जिस टाइम से वो यूनिटी आ जाता है उसे बोलते हैं सेटलिंग टाइम। उसके बाद आता है हमारा पीक टाइम। पीक टाइम, इस टाइम पे क्या होता है? जब हमारी वेव जो है सबसे पीक पे होती है, मतलब पीक एम्पलीट्यूड, उस टाइम जो हमारा टाइम होता है वो होता है पीक टाइम। और उसके बाद आता है हमारा मैक्सिमम ओवरशूट, एमपी, मैक्सिमम ओवरशूट। और लास्ट जो हमारा बचा, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है हमारे सभी फॉर्मूलाज के लिए, ये हमारा डैम्पिंग रेशियो, जिसे हम ईटा से डिनोट करते हैं, डैम्पिंग रेशियो। नाउ वन बाय वन अब फॉर्मूलाज देखते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? एस स्क्वायर प्लस टू ईटा ओमेगा एन एस प्लस में ओमेगा एन का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये एस हमारा होता है लैपलेस कोफिशियंट, ईटा हमारा हो गया डैम्पिंग रेशियो, ओमेगा एन हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बस। और इसके बाद आता है हमारा ईटा। ईटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हमारा ईटा डैश। ईटा हमारे किसी भी इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हमारा जो ईटा होता है वो फिक्स होता है, और डैम्पिंग रेशियो जो होता है फिक्स होता है। और अगर हम ईटा की बात करें तो वो वैल्यू करती है जीरो से वन तक, वो वैल्यू करती है रेंज, जीरो से वन के बीच में हमारा ईटा रहेगा। तो ईटा डैश हमें निकालना होता है अपने आगे फॉर्मूलाज के लिए। तो ईटा डैश हमारा आएगा ईटा प्लस ओमेगा एन टी डी अपॉन में टू। ये ईटा डैश के लिए हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद आता है हमारा पीक टाइम के लिए फॉर्मूला। पीक टाइम पाई अपॉन में ओमेगा एन इंटू में वन माइनस ईटा का स्क्वायर। ये आता हमारा पीक टाइम का फॉर्मूला। उसके बाद आता हमारा सेटलिंग टाइम टी एस। इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है? फोर अपॉन में ईटा ओमेगा एन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सभी फॉर्मूला में ईटा जरूर यूज हो रहा है, तो ये हमें क्वेश्चन के शुरुआत में ही गिवन रहता है। और हमारा मैक्सिमम ओवरशूट, मैक्सिमम ओवरशूट का हमारा फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल की पावर, मतलब ई की पावर माइनस ईटा वन माइनस ईटा का स्क्वायर। ये होता है हमारा मैक्सिमम ओवरशूट। और हमारा लास्ट एक फॉर्मूला बचता है डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। ये होती है हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन इंटू में वन माइनस ईटा का स्क्वायर। ये हमारे पांच मेन फॉर्मूलाज होते हैं और एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है जिसको हम सोल्व करते हैं अपने ये सारी वैल्यूज निकालने के लिए। और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनती है? तो जब भी हमें कोई इनपुट गिवन होता है, जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि हमें जीएस गिवन है 14 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1.4s, तो हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है डिनोमिनेटर में, ये हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो ऐसे हम आगे
क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे कंट्रोल सिस्टम्स के। सिर्फ ये पांच फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा और एक छठी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके अलावा एग्जाम में आपसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता, सिर्फ इन्हीं फॉर्मूले से हमारा पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करें और आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हो हमें हमारे चैनल या स्टडी से रिलेटेड, तो हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।